चाहे आप माने या ना माने, लेकिन ये एक सच है कि बहुत सारे लर्नर कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। वे अक्सर सोचते हैं कि इनका सही इस्तेमाल क्या है। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। सबसे पहली बात कि लर्नर कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा वे कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि इन दोनों का इस्तेमाल बहुत हद तक मिलता जुलता है, इसीलिए वो तय नहीं कर पाते हैं कि कहां हमें बोलना चाहिए कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म और कहां हमें बोलना चाहिए वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो आइए इस चीज को बारीकी से समझ ले ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। आइए सबसे पहले कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म के बारे में सीखें। कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम दो तरीके से करते हैं। पहला तरीका, जब हमें बताना हो कि गुजरे हुए टाइम में यानी पास्ट में कोई काम मैं कर सकता था लेकिन किसी वजह से वो काम नहीं हुआ, तो आप यहाँ पर बोलेंगे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। कैसे, आइए इस बात को एग्जांपल्स में समझें। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं आपको फोन किया होता लेकिन वहाँ पर कोई फोन सर्विस नहीं थी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वुड हैव कॉल्ड यू, यानी मैं आपको फोन किया होता बट देयर वॉज नो फोन सर्विस, यानी वहाँ कोई भी फोन सर्विस नहीं थी। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि सेंटेंस में मैंने बोला कि मैं ऐसा किया होता लेकिन किसी चीज की वजह से ऐसा ना कर सका या ये काम नहीं हुआ। अगर आपको कहना हो मैं टिकट खरीदा होता लेकिन मेरा पर्स घर छूट गया था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वुड हैव बॉट टिकट बट आई मिस्ड माई पर्स एट होम, यानी मैं टिकट खरीदा होता लेकिन मेरा पर्स घर छूट गया था। यहाँ इस सेंटेंस का सेंस है कि मैं ऐसा किया होता लेकिन किसी चीज के वजह से ऐसा ना हो सका। आइए यहीं पर कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल देख लें ताकि आपको दोनों में फर्क समझ में आ सके। इसके पहले कि मैं कुछ एग्जांपल्स दूं, मैं आपको बता दूं कि कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि कोई काम मैं कर सकता था लेकिन वो काम मैंने नहीं किया, यानी मैं कर तो सकता था लेकिन जानबूझकर मैं वो काम नहीं किया या उस काम को करने में दिलचस्पी नहीं लिया। लेकिन अगर हम बात वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म की करें तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कोई काम मैं करना चाहता था लेकिन किसी वजह से वो काम नहीं हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको फर्क समझ में आया होगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें। जब मैं 15 साल का था मैं इंग्लिश सीख सकता था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कुड हैव लर्नड इंग्लिश व्हेन आई वाज 15, यानी जब मैं 15 साल का था तो मैं इंग्लिश सीख सकता था। इस सेंटेंस का सेंस है कि मैं ऐसा कर सकता था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अगर आपको कहना हो वह खाना पका सकती थी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे शी कुड हैव कुक्ड डिनर, यानी वो खाना पका सकती थी। इस सेंटेंस का सेंस है कि वो ऐसा कर सकती थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको दोनों में डिफरेंसेस समझ में आया कि वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कोई काम मैं करना चाहता था लेकिन किसी वजह से वो काम नहीं हो सका, लेकिन कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कोई काम मैं कर सकता था लेकिन उस काम को मैंने नहीं किया, यानी हो सकता है आलस के वजह से ना किया, हो सकता उस काम में मुझे दिलचस्पी ना हो, रीजन चाहे जो भी हो बट मैंने उस काम को नहीं किया। आइए फ्रेंड्स अब वुड हैव का दूसरा कंसेप्ट जानें। वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम कंडीशनल सेंटेंसेज में भी करते हैं, जहां हम बताते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो वैसा हो जाता, यानी इस तरह के सेंटेंसेज का सेंस होता है कि ऐसा नहीं हुआ इसलिए वैसा भी नहीं हुआ। लगता है आप समझे नहीं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सके। अगर आप मुझे फोन किए रहते तो मैं आया होता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ यू हैड कॉल्ड मी, यानी अगर आप मुझे कॉल किए रहते आई वुड हैव कम, मैं आया होता। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस का सेंस है कि ना आपने मुझे फोन किया और ना मैं आया, लेकिन अगर आप ऐसा किए रहते तो वैसा हुआ होता, यानी अगर आप मुझे फोन किए रहते तो मैं आया होता। अगर आप कुछ पल इंतजार किए होते तो आपको एक रिक्शा मिल गया होता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ यू हैड वेटेड फॉर अ व्हाइल यू वुड हैव गॉट अ रिक्शा, यानी अगर आप कुछ देर इंतजार किए रहते तो आपको रिक्शा मिल गया होता। यहाँ इस सेंटेंस का सेंस है कि ना आपने इंतजार किया और ना आपको रिक्शा मिला, अगर आप ऐसा किए होते तो आपके साथ वैसा हुआ होता। उम्मीद करता हूँ यह कंसेप्ट आपको शानदार तरीके से समझ में आया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।